नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले। जो मुकाबले इतने ज्यादा कमाल थे, इतने ज्यादा लाजवाब थे, नाम मत लीजिए कोलकाता हैदराबाद के बीच वाले मुकाबले के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी भी खतरनाक आई, बल्लेबाजी भी खतरनाक आई, जिस कारण से इस मैच में जीत पाई और अपनी छाप भी साथ में छोड़ पाए। आपको बता देते हैं इस मैच में क्वालिफाई नहीं, डायरेक्टली फाइनल IPL 2024 की कर चुके हैं दोनों ही टीम, लेकिन उसमें से कोलकाता पहुंच गई है फाइनल तक की और यहां पर बिछड़ती हुई नजर आ रही है हैदराबाद। और देखिए हैदराबाद के खिलाफ आया मिचेल स्टार्क का गेंदबाजी का तूफान। जो मिचेल स्टार्क लगातार फ्लॉप दिख रहे थे, इस मैच में 3 विकेट ले लिए और देखिए मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी का पूरा रोमांच आपको शुरू से अंत तक की आपको रोमांच दिखाएंगे। जो दोनों बल्लेबाज ने इस गजब की बल्लेबाजी भी किए और गेंदबाजी मिचेल स्टार्क की रही और मिचेल स्टार्क ने इस मैच में 3 विकेट लिए। उसके बाद यहाँ पर ट्रेविस हेड भी करें, मिचेल स्टार्क पागल हो चुका है, मेरा विकेट दूसरे गेंद पर ले लिया, तुमसे मुझे इस तरह की उम्मीद न थी। लेकिन इस मैच में ट्रेविस हेड थे, ट्रेविस हेड ने गजब की गेंदबाजी नहीं कर पाई, सॉरी ट्रेविस हेड के सामने गजब की गेंदबाजी किए मिचेल स्टार्क और अपनी विकेट ले लिए। और विकेट लेने के बाद यह बताया जो कि मैं मिचेल स्टार्क को काफी ज्यादा अच्छे नहीं खेल सकता हूं। और मिचेल स्टार्क को पिछले मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़िया खेले थे, अच्छे खेले थे, जो लग रहा था इनको अच्छे खेलेंगे, लेकिन इस मैच में दिख गई उनकी कमजोरी और यहां पर विकेट चटकाने में सफल रहे और टीमों को जिता दिया और डायरेक्टली फाइनल तक पहुंचा दिया। तो चलिए दोस्तों, आई होप इज अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।